हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन डूइंग वेल एट योर होम एंड टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज वर्किंग हार्ड एट योर स्टडीज। एक्चुअली आज हम कई दिनों के बाद आपके सामने हैं बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी, फिजिकल प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम इलनेस आई वॉज अनएबल टू कम बिफोर यू एंड इट वॉज नियरली अ पीरियड ऑफ 20 days और सो। Once again, I am with you, dear students, to help you to solve all your problems as much as I could. आपकी वो सारी समस्याएं जो मैं आप हल कर सकता हूँ, एक बार फिर आपके सामने हूँ। बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम आज सुनने जा रहे हैं, ये क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 1 है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है इस लेसन में कि इसमें जो मैसेज है वो सिर्फ 10th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इसमें जो मैसेज है वो केवल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, या इसमें जो मैसेज है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसमें एक मैसेज तो हम सब लोगों के लिए है, दुनिया के सभी लोग, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है किस तरह अपने बच्चों को नरिश किया जाए, किस तरह अपने बच्चों को डेवलप किया जाए। बिकॉज हमारी जो कहानी का जो मेन हीरो है, मेरे ख्याल से जो एक दुनिया का बहुत बड़ा हीरो है, उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, या जिसे हम प्यार से एडिसन कहते हैं। वो एडिसन जिसकी ज़रूरत आज हमें पड़ रही है, इस वीडियो में हम लाइट लगा रहे हैं, ये जो रोशनी पड़ रही है एडिसन की देन है। तो एक मैसेज तो ये है कि अपने बच्चों का केयर करना है, अपने बच्चे के एजुकेशन में किस तरह से हेल्प करनी है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल पहुंचा तो वहाँ पर ऐसा नहीं है उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ पर उनके टीचर्स को ब्लेम करना सही नहीं है, बट एक प्रॉब्लम उसके बचपन में हुई कि एक दिन क्लास में जब टीचर क्लास ले रही थी तो वो उन्हें कुछ बता रही थी बर्ड्स के बारे में। तो उसने एक सेंटेंस पूछा कि मैम, व्हाई कैन मैन नॉट फ्लाई लाइक बर्ड्स। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि मैम, इंसान जो है चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता, पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। मैंने सिंपली कहा, बिकॉज मैन हैज नो विंग्स। बच्चा बहुत होशियार था, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों की तरह ही था होशियार। जी, आपकी तरह ही, आपकी बात हो रही है। उसने कहा, मैम लेकिन जो काइट्स हैव नो विंग्स, काइट्स में तो पतंगे नहीं, स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन टू स्काई, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ाते हैं। इस सवाल का जवाब या तो टीचर के पास नहीं था, या फिर कई बार हमें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स क्लास में ओवर एक्टिव है, या कुछ जरूर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैसेज हम टीचर्स के लिए भी है कि हमें बच्चों के सवालों से बचना नहीं है, बट यहाँ पर एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भी है कि क्लास में हमारा जो एक पर्सनालिटी है, हमारी जो इमेज है, वो एक ऐसे स्टूडेंट की कभी ना बने कि जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। बहुत ज़्यादा सवालों से मतलब कई बार हम ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं जो टीचर को पजल कर रहे होते हैं, और पजल करने के बाद थोड़े देर बाद बहुत इरिटेशन होने लगती है। उसके बाद जब हम सही सवाल कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा मैसेज है टीचिंग के लिए, टीचिंग प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्लासरूम में चर्चा हो रही होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच, इसमें बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर हम दोनों को रखना है। क्योंकि कई बार हम जब हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, हम बहुत नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इसका सर लेसन का नाम क्या है, तो बताना पड़ा सर। सर ये फर्स्ट लेसन है, सेकंड लेसन है, वहाँ लिखा हुआ है लेसन नंबर 1। तो होता कई बार हम बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा अगर हम पेशेंस रखें और हम टीचर की मेंटेलिटी को समझते हो, उस टाइम के कंडीशन को समझते हुए सवाल करें, तो टीचर को इरिटेशन नहीं होगी। और टीचर को भी समझना चाहिए कई बार कि बच्चे ना समझी में भी सवाल पूछ रहे होते हैं, हमें बड़े पेशेंस के साथ काम करना होता है। ये जॉब बहुत आसान नहीं है, ये मशीनों के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये जिंदगियों के साथ हम जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या जो हम उनके साथ अपना बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इससे कई बार बच्चों पर असर नेगेटिव भी पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जो टीचर ने
एडिशन से उसने कहा कि ठीक है तुम क्लास से बाहर चले जाओ। फिर उसके पेरेंट्स को बुलाया और उसे कहा कि बच्चा क्लास में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसा तो शायद नहीं कहा होगा लेकिन शायद कहा कि क्लास के लायक नहीं है, बच्चा स्टूपिड है और ज़्यादा क्लास का एटमॉस्फेयर ये फेस नहीं कर पा रहा है, इसे आप घर रखिए। यहाँ पर जो एडिसन की मदर हैं स्पेशली, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हम सब लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी टुक दिस वेरी पॉजिटिवली, उसने इस इंसिडेंट को बड़ा ही पॉजिटिवली लिया। जैसे कई बार हम देखते हैं आजकल गार्जियंस एकदम ओवर रिएक्ट करने लगते हैं इस बात पर, उसने ऐसा कुछ नहीं करा, उसने कहा ठीक है मैं घर ले जाती हूँ। फिर उन्होंने एडिशन के लिए घर में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया विच वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एज, एंड दस एडिशन्स मदर प्रूव्ड हरसेल्फ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हिज बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एंड विच चेंज्ड अ वेरी ऑर्डनरी स्टूडेंट, नॉट ऑर्डनरी स्टूडेंट बट ऑर्डनरी बॉय टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द हिस्ट्री। इस छोटे से एटमॉस्फेयर ने उस बच्चे की ज़िंदगी बदली और आज हम सब की बदली। एक ऐसा इन्वेंटर या आविष्कारकर्ता हमें दिया जिसने दुनिया की तस्वीर बदल दी। ठीक है, फिर एक घटना और उसके बचपन में हुई है कि एक बार उसने अपने एक सर्वेंट की बच्ची को, उसने देखा एक दिन कि चिड़िया जो थी वो कीड़े खा रही, उसे लगा कि कीड़े खाने से उड़ सकते हैं। उसने कीड़ों को पीसा, एक वो जैसे मेडिसिन को पीसते चूर्ण बनाते हैं, उसने उसका चूर्ण बना के पानी मिलाई, चटनी बनाई, उसे पिलाया, इसे पियो तुम उड़ोगी। बच्ची पी के बीमार पड़ गई, मदर ने डांटा। फिर एक एक्सपेरिमेंट का और जिक्र इस लेसन में है कि उसने जाकर देखा एक पोल्ट्री फार्म में कि जो एक मुर्गी अंडों पर बैठ रही है, उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या है, उन्होंने कहा बेटा ये से रही है अंडों को और कुछ टाइम बाद इन अंडों के अंदर से चूजे निकलेंगे। उसने कहा हम भी लेके आ रहे हैं, जैसा काम कर ले रहे हैं। उसने भी कुछ अंडे मंगाए, एक दो दर्जन, उन पर बैठ गया, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। इस बार उसकी पिटाई लगी। यहाँ तक एडिसन को अंदाज़ा हो गया था, कुछ साल का रहा होगा, 6-7 साल का, कि उसके एक्सपेरिमेंट गलत नहीं है बट उनका जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आफ्टर दैट एडिसन बिकेम अ वेरी सीरियस वन। फिर एक कहानी में बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल एज ए फादर है, एडिसन के फादर ने उसे एक लालच दिया। जैसे आज हम लोग लालच देते हैं ना, बेटा तुम हाई स्कूल करोगे हम तुम्हें फ़ोन खरीद के देंगे। सॉरी, शायद आपको अर्थ के बाद मिल गया होगा, अब तो हम ही खरीदवा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में जी, या हम हाई स्कूल पास करने के बाद आपको एक नई बाइक लेके देंगे, 12th पास करने के बाद बाइक लेके देंगे, या ग्रेजुएशन करोगे तो आपकी शादी करा दे, है ना जी। तो ऐसे लालच दे देकर कई बार भी बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसने बड़ा अच्छा लालच दिया उसके फादर ने। उसने कहा बेटा एक किताब पढ़ने पर 25 सेंट्स मिले, घर को बुक से भर दिया। एंड बाई दैट ग्रेट स्टेप आई मस्ट से हिज फादर चेंज हिज लाइफ, एंड एडिसन हैड टू रीड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स बाई अर्निंग दोज 25 सेंट्स फॉर ईच बुक। फिर जब बुक्स पढ़ी उसने इतनी संख्या में, सैकड़ों या हजारों तक, उसका लालच बढ़ा। फिर उसे लगने लगा कि इन किताबों से जो उसे मिल रहा है, एक देखिए कितना एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट मिला इसमें हमें, कि फिर उन्हीं पैसों से जो उसने फादर से किताबों के पढ़ने के लालच में लिए, उसने और बुक्स खरीदी, क्योंकि उसे जो डायरेक्शन देना था उसके फादर ने वो मिल गया, कि किताबें पढ़ने का चस्का जो लगना था उसे लगा। उन किताबों को पढ़ने के बाद उसने और कुछ सीखा, फिर एक लेबोरेटरी बनाई, उसमें एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगती है जो हम बच्चों को बड़ा इंस्पिरेशनल है, कि 12 साल की उम्र में एडिसन ने रेलवे में ज्वाइनिंग किया। आपको अंदाज़ा है इस बात का कि आज हमारे बच्चे 12-13-14 साल की उम्र में हम उन्हें कहते हैं बेटा तुम जरा बैंक जा सकते हो इस काम के लिए, 15 साल के बच्चे को तो उसे बताना पड़ता है कि बेटा विड्रॉल फॉर्म क्या है। ये पर्सनली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्लास में देता हूँ। 12 साल के एडिसन ने उस जमाने में
इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वो रेलवे में जॉब करना शुरू करा। फिर इतना इंपॉर्टेंट काम किया उसने, एक कंपार्टमेंट में लेबोरेटरी खोल ली। शुरुआत में उसने वहां पर न्यूज़पेपर बेचे, फ्रूट्स बेचे, और जो पैसा कमाया फर्स्ट डे उसने अपनी मदर को $1 दिया और उसने कहा कि एवरी नाइट आई विल गिव यू $1 एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। ये पहला वचन जो उसने अपनी माँ को दिया, क्योंकि मदर उसकी पहली गुरु थी, आइडियल वीमेन, इंस्पिरेशनल वीमेन, मोटिवेशनल पर्सनालिटी, ग्रेट रोल ऑफ हिज मदर इन हिज करियर, इन हिज लाइफ फॉर द वर्ल्ड। उस बच्चे ने बाद में वहाँ पर जॉब किया। एक दिन वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, जैसी गाड़ी मुड़ रही थी एक शार्प टर्न पर अचानक कुछ फॉस्फोरस गिर गया, फर्श पर आग लग गई। बड़ी मुश्किल से गार्ड को बुलाया उसने और दोनों ने मिलकर आग बुझाई, बट अगले स्टेशन पर उसकी नौकरी चली गई। एडिसन यहाँ भी रुका नहीं, एक्सपेरिमेंट करता रहा। फिर एक फैक्ट्री में एक फ्रेंड के यहाँ पहुँचा, वहाँ एक मशीन बंद पड़ी थी। मशीन उससे मोहब्बत थी, उसे बहुत ज़्यादा दीवानगी की हद तक जुनून था। एक तो एक मशीन बंद पड़ी थी, फिल्मी स्टाइल से कहानी वहाँ पर हुई है, कपड़ा इंसिडेंट हुआ है तो मशीन चल नहीं रही है। तो उसने कहा कि साहब मैं मशीन ठीक कर सकता हूँ। तो उसने करिए कुछ फिल्मी ड्रामा टाइप का था, मेलो ड्रामा देखते हैं यहाँ पर। उसने मशीन कोई टाइम में सही कर दी और वहाँ से जॉब मिल गया। एडिसन यहाँ भी रुका नहीं, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा। 1877 में उसने टॉकिंग मशीन पर काम करना शुरू करा। जब वो टॉकिंग मशीन अगले साल उसने 1978 में बना ली, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, 78 में उसने जो मशीन बनाई इसका नाम था ग्रैमोफोन। उस टाइम लोग टॉकिंग मशीन कहते थे। इस ग्रैमोफोन ने एडिसन को पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, पॉपुलर कर दिया, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात थी कि हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं। दिस मशीन कुड रिप्रोड्यूस मैंस वॉइस, एवरीथिंग्स वॉइस, एवरीवन्स वॉइस, कोई भी आवाज़। जैसे आज हम बोल रहे हैं और हम आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना ये वीडियो आपके सामने, यहाँ भी एडिसन है, ये लाइट जला रहे हैं, ये रोशनी मिल रही, यहाँ भी एडिसन है। विदाउट एडिसन देयर इज नो वर्ल्ड ऑफ टुडे। आज की दुनिया बिना एडिसन के हम नहीं मान सकते, भी हो सकती है। और मेरा पर्सनली मानना भी यही है स्टूडेंट्स, कि आज की दुनिया बदलती है पिछले 100-200 सालों में, 19th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी, दो सबसे बड़े आविष्कार हैं, तो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइफ को चेंज कर दिया उसने, दूसरा लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रकाश, विद्युतीय प्रकाश। ये दो इतने इम्पॉर्टेंट जो हमें इन्वेंशंस मिले हैं, आविष्कार मिले हैं, इसने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ कर दिया है। हम आदिकाल से बिल्कुल आधुनिक काल पर अगर आए हैं, इन दो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज की वजह से, खोज की वजह से, आविष्कारों की वजह से। इसमें एक नाम है टॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो हम एक बार फिर देखें एडिसन क्यों फेमस हुआ, ग्रैमोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से यहाँ तक हम पहुँचे। चाइल्डहुड में स्कूल नहीं मिला, मदर मिली, एक्सपेरिमेंट किए एक बच्चे के तौर पर जो फेल हुए, फिर ग्रैमोफोन बनाया। लेकिन 78 में उसने एक प्रॉमिस फिर जनता से किया, अमेरिकन से किया, कि अगले 2 साल में मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइट दूंगा। बहुत हंसे लोग उसे, लोगों का ये पागल हो गया। और हर साइंटिस्ट ने जब भी कोई नई बात कही है लोग उस पर हंसे ही हैं, आप पर भी हंसते होंगे। आपको उन्हें हमेशा हंसने देने का मौका नहीं देना है। जैसे आज हम पर लोग हंस रहे हैं, आप पर भी हंस रहे हैं कि ऑनलाइन की पढ़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड दिस इज वी हैव टू प्रूव रॉन्ग, इसे हमें गलत साबित करना है। हम भले ही आज आपसे दूर हैं, आप हमारे क्लास में हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमारा क्लास चल रहा है और हम आपको भले ही ना देख पा रहे हों, लेकिन आप हमें देख रहे हैं। लेकिन हम इस वर्चुअल क्लास के जरिए, इस ऑनलाइन क्लास के जरिए किसी भी तरीके से आपसे जुड़े हुए हैं, और हमारा ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक कदम आगे बढ़े हैं। पहले हम क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाते थे या 40 बच्चों को या 60 बच्चों को, लेकिन हमारे इस वीडियोज़ के जरिए, इस ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए हम आपके साथ हमेशा हैं। आप कभी भी हमें पढ़ सकते हैं,
हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सुन सकते हैं हमारे वीडियोस, हमारे स्पीचेस को, हमारे एक्सप्लेनेशन को, हमारी इन कहानियों को, ठीक है। और एक साथ हजारों लाखों लोग अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ें। उन्होंने गलत साबित करा, 1880 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो है आविष्कार कर लिया। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते रहे, दुनिया आगे बढ़ती रही, लोग उन्हें बहुत पसंद करा उन्हें। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शायद आया, उस टाइम उन्होंने 40 वार टाइम इन्वेंशन, 40 आविष्कार अपने देश के लिए किए, अमेरिका के लिए युद्ध में मदद मिली। बट एडिसन की एक और थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो पॉजिटिविटी है वर्ल्ड के बारे में। उन्होंने कभी भी ऐसी कोई आविष्कार नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई, इन्वेंट नहीं की जिससे लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जाए। उन्होंने बंदूक, गन पाउडर, इस टाइप की चीज़ें नहीं बनाना चाहिए, दुनिया को ख़त्म करें। 1929 में सेलर जुली फंक्शन हो रहा था इलेक्ट्रिक बल्ब का, बड़े भव्य तरीके से अमेरिका में मनाया गया और उन्हें एक व्हाइट हाउस में बुलाया गया प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित करने के लिए। वहाँ उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उन्हें एक मेडल भी दिए गए, उन्हें वहाँ भी प्राइज दिया गया। लेकिन जब वो राष्ट्रपति को धन्यवाद करने के लिए उठे तो वहाँ वो सही से अपने आप को संभाल नहीं पाए, बीमार पड़ गए और कुछ समय के बाद 2 साल के आसपास 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया के शायद अब तक के सबसे बड़े आविष्कारकर्ता ने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया छोड़ के चले गए। तो बच्चों, एक ऐसे महान आविष्कारकर्ता की कहानी है जिसने दुनिया की तस्वीर को बदला और हम सबको सबक दिया है कि हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे बाद भी लोग हमें याद करें। लास्ट में मैंने और लिखा है, उन्होंने एक जगह लिखा, आई विल इन्वेंट नथिंग विच विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि मैं ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा जो दुनिया को नष्ट करे, मैं जिंदगी देना चाहता हूँ, जिंदगी लेना नहीं। और उन्होंने ऐसा ही किया। फिर एक और लाइन उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड लाफ्टर एंड लाइट, मैं संसार को हंसी देना चाहता हूँ और प्रकाश देना चाहता हूँ। तो उनके दो आविष्कार ने, ग्रैमोफोन ने हमारी ज़िंदगी में हंसी भरी, आज हम खुशियाँ बांट रहे हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, सॉन्ग्स शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं, म्यूजिक है, म्यूजिक के बिना आज हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये रिकॉर्डेड म्यूजिक जो हम सुनते हैं बार बार बार, इसको आप सुनते होंगे, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं आप, ठीक है, नेहा कक्कड़ को सुन रहे हैं, मैं उनको एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन बात कह रहा हूँ। तो ये इसके पीछे भी हमारे एडिसन साहब हैं। और ये रोशनी तरह तरह की, पहले हमने बल्ब लगाए, फिर हमने एलईडी लगाई, फिर कहीं LCD लाइट, ये सब भी जितनी तरह की लाइट्स आ रही हैं, विद्युतीय प्रकाश पैदा कर रही हैं, इसके पीछे भी थॉमस अल्वा एडिसन है। बच्चों, इस पार्ट को अच्छी तरह से आपने समझा, आपको कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर, आप लगातार आपके मैसेजेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हम लाइक्स देखते हैं तो बड़ा हमारा हौसला बढ़ता है। और जिन बच्चों ने अभी तक, बच्चे ही नहीं, बड़ों ने भी अगर अब तक, जो मेरे मित्र हैं, मेरे मिलने वाले हैं और मेरे डियर फ्रेंड्स हैं, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें और अपने और फ्रेंड्स को शेयर करें, इससे हमारा ये परिवार बड़े से बड़ा होता जाए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर लाइफ एंड हैव अ वेरी गुड टाइम डियर वंस, बाय, टेक केयर, लव यू।